160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ रही हो और अचानक ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन की कैबिन छोड़कर चला जाए तो यकीनन आपको ट्रेन में बैठे बैठे ही आपकी जान निकल जाएगी। जी हाँ, अब जो मामला सामने आया उसे सुनने के बाद आप शायद ही ट्रेन में कभी बैठेंगे। आपने अपनी जिंदगी में बहुत सी ट्रेन में सफर किए होंगे। बेस्ट से बेस्ट ट्रेन में ट्रैवल करने के बावजूद आपने जिंदगी में कभी ना कभी जापान की बुलेट ट्रेन के सपने जरूर देखे होंगे। लेकिन हाल ही में एक ऐसी खबर वायरल हुई जिसे जानकर आप बुलेट ट्रेन में सफर करने से पहले शायद जरूर सोचेंगे। जापान को अपनी तेज रफ्तार बुलेट ट्रेन, समय की पाबंदी और उसके रहन सहन के लिए जाना जाता है। इसी वजह से जापान की बुलेट ट्रेन विदेशी पर्यटकों को खूब लुभाती है। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ कि ट्रेन में बैठे सैकड़ों यात्रियों की जिंदगी खतरे में पड़ गई थी। दरअसल जब ट्रेन 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी उसी समय ड्राइवर कैबिन छोड़कर भाग गया था। ये मामला 16 मई 2021 का है। ड्राइवर ट्रेन का कैबिन छोड़कर बाथरूम चला गया। उस समय ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी। 36 साल के ड्राइवर हिकारी बुलेट ट्रेन नंबर 633 के कॉकपिट से करीब 3 मिनट तक बाहर रहा था। वह कंडक्टर को ट्रेन की जिम्मेदारी सौंप कर ही चला गया था। लेकिन उस कंडक्टर के पास ट्रेन चलाने का कोई लाइसेंस भी नहीं था और उसे ढंग से ट्रेन चलानी भी नहीं आती थी। आपको बता दें, बुलेट ट्रेन के ड्राइवर ने घटना उजागर होने के बाद माफी मांगते हुए कहा कि वह लंबे समय से टॉयलेट को कंट्रोल कर रहा था जिसकी वजह से उसके पेट में दर्द होने लगा। उसे नजदीकी स्टेशन पर ट्रेन नहीं रोकी थी क्योंकि वह देरी नहीं करना चाहता था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जापान में बुलेट ट्रेन में मौजूद कंडक्टर लोगों को ट्रेन में चढ़ाने उतारने सहित दूसरा काम भी संभालते हैं, लेकिन वह ट्रेन ऑपरेटर नहीं कर सकते। उन्हें ढंग से ट्रेन ऑपरेट करना भी नहीं आता। मतलब ये बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन भगवान के दुआ से कुछ भी नहीं हुआ। अब आपने क्या राय इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। नैमन यादव, वीके न्यूज़, दिल्ली।